अखंड भारत महासंघ ने थाना भगतपुर से संबंधित एक मुकदमे की उच्च स्तरीय विवेचना कराए जाने की मांग उठाई है और निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने पर जोर दिया गया है। शुक्रवार को अखंड भारत महासंघ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि उस्मान पुत्र रियासत हुसैन लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद में ए श्रेणी के ठेकेदार एवं मैसर्स आर एच कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं। दो बार ग्राम प्रधान भी रहे हैं। आरोप है कि उनके व अन्य लोगों के विरुद्ध एक खनन माफिया के कहने पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक विवेचना के दौरान निर्दोष लोगों के नाम मुकदमे से नहीं निकाले गए हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उस्मान नामक ठेकेदार ने खनन माफिया तैयब के विरुद्ध पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा खनन माफिया पर शिकंजा कसा गया और अनेक लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेजा गया, लेकिन अब खनन माफिया द्वारा निर्दोष लोगों को इसी रंजिश में फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस भी जानती है कि ये सभी लोग निर्दोष हैं, बावजूद इसके गैंगस्टर एक्ट की बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रामीण परेशान हैं और अपनी फरियाद लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि उस्मान आदि के विरुद्ध दर्ज किए गए झूठे मुकदमे की उच्च स्तरीय विवेचना कराकर तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि निर्दोष व्यक्ति राहत की सांस ले सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि खनन माफिया तैयब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने पर ही तैयब को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और इसी रंजिश में ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए अखंड भारत महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार राघव ने बताया, आज आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया किस संबंध में था? और खनन माफिया के विरुद्ध जो है गांव गणेशपुर के लोगों द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया जाता है, इसमें खनन माफिया गिरफ्तार होता है और खनन माफिया के गिरफ्तारी के उपरांत ही वह जिन लोगों ने ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री शिकायत की थी इसकी, जिनके कहने पर वो गिरफ्तार हुए थे, उनके नाम ही उसके बयानों में ले लिए, उसके बाद उनको अपराधी बना दिया जाता है। यह प्रकरण जो है बहुत ही विधि विरुद्ध कार्य इसके अंदर हो रहे हैं, खनन खंड से रिलेटेड है। खनन माफिया कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का मेनजेल का खाका जो है वो लोगों के सामने आया है, प्रशासन के सामने आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आया है। सभी प्रकरण में जो है कार्रवाई की गई है, इसमें उन लोगों 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जबकि प्रकरण में केवल 3 डंपर रॉयल्टी के जा रहे होते हैं रास्ते, उसमें रोका जाता था अधिकारी के द्वारा, ठीक है, रॉयल्टी ना होने के कारण जब्त कर लिया जाता है, कहा जाता है वीडियोग्राफी होती है, 150 लोगों द्वारा हमला किया गया, जबकि घटनास्थल की वीडियोग्राफी में कोई भी व्यक्ति है नहीं, जिन 150 लोगों की बात करते हैं, जो लोग खनन माफिया का नाम उजागर करते हैं उनको ही अपराधी बना दिया जा रहा है। इस बात की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं दो तीन बार कर चुके हैं, करने के बाद प्रशासन कहता है निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद विधि विरुद्ध आईओ महोदय माननीय न्यायालय से एनडब्ल्यू जारी कराना चाहते हैं, फिर कहते हैं पीड़ितों से कि हमें 82 मिल गया है, ये 82 की कार्रवाई होने से पहले वारंट का होना आवश्यक है और जब वारंट रहेंगे 82 कार्रवाई विधिवत हुई है, जिसका न्यायालय के अंदर भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई प्रशासन की और लापरवाही और कार्यशैली को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे आराध्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इंडिकेट किया जा रहा है, सरकार को इंडिकेट किया जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं सबको ग्रस्त हो जिससे सरकार की छवि डूबे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हमारी यही है कि इस पर जांच की जाए और जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है उन लोगों का नाम इस मामले को मोचित किया जाए, क्योंकि कंप्लेंट में शिकायत करता है उनको ही अपराधी बनाया जा रहा है। हमारी मांग यह है कि इसका जांच लोगों की मीडिया लोकेशन जाँच करी जाए, जो डंपर वहाँ पर थे उनकी विशेष लोकेशन दी जाए और निर्दोषों का नाम इस मुकदमे से हटा दिया जाए और मुकदमे में चार्जशीट लगे, मुकदमा समाप्त।